नमस्कार। नेट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और फर्स्ट पेपर का हम प्रिपरेशन करा रहे हैं, इसके लिए क्रैक कोर्स चलाया जा रहा है। थोड़ा सा लेट हो गई मैं, लेकिन काफ़ी सारी वीडियो मैं पहले ही फ्री में आपको दे चुकी हूँ। जो बचे कुछ वीडियोस हैं आपके, जो ऐसे पोर्शन है जिस पर क्वेश्चन के एनालिसिस की आवश्यकता है, अब वो आपको दिए जाएंगे। और यहाँ पे हम जिस प्रकार के कोर्सेज का संचालन करने जा रहे हैं, वो आपके फर्स्ट नेट के फर्स्ट पेपर से रिलेटेड है। जो यूजीसी नेट का आपका फर्स्ट पेपर है, आपको पता है ऑनलाइन अब होने लगा है, एनटीए उसको कराती है। तो एनटीए ने क्या किया है, सबसे पहली चीज़ तो इस बार उसने पूरा जो सिलेबस है उसको डाबाडोल कर दिया है, और सिलेबस को बदलने से काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही। चीज़ें वही हैं, कुछ नई चीज़ें जुड़ गई, कुछ पुरानी चीज़ें हट गई हैं। तो जो नई चीज़ें उन्हें हमें एक्सेस में अध्ययन करना पड़ेगा, और जो पुरानी आपकी चीज़ें हैं उनको और विधिवत हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो जो भी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ये जानते होंगे कि नेट में जो आपका फर्स्ट पेपर आता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्कोरिंग में, क्योंकि सेकेंड आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है, फर्स्ट सबके लिए एक ही सिलेबस से आता है। लेकिन जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, इसमें ये भी डिपेंड करता है कि हर सब्जेक्ट के अलग अलग दिन आपके एग्जाम होने हैं, तो फर्स्ट पेपर भी अलग अलग आता है। हो सकता है किसी में कोई क्वेश्चन फंसे, किसी में नहीं, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रकार के क्वेश्चन उसमें बनाए जाते हैं, और अलग अलग दिन अलग अलग फर्स्ट पेपर आता है। शायद आपको नहीं पता होगा, क्योंकि पहले एक ही साथ सबका एग्ज़ाम होता था, तो फर्स्ट पेपर सबका एक होता था, तो स्कोरिंग भी क्या होती थी, एक जैसी होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इतने दिन में एग्ज़ाम हो रहा है, मतलब 3-4 दिन 5 दिन एक हफ्ते में, तो अलग अलग सब्जेक्ट का मीटिंग्स वाइज, फर्स्ट मीटिंग दूसरे का, सेकंड मीटिंग दूसरे का। तो क्या हो रहा है पता है, उसमें हर मीटिंग में ऐसा तो नहीं कि पहले दिन जो फर्स्ट पेपर आया वहीं दूसरे दिन आए, ऐसे तो क्या होगा, आप चीटिंग कर लेंगे फर्स्ट पेपर पूछ के। कुछ तो क्वेश्चन किसी को याद ही रहेंगे, आप पूछ के फर्स्ट पेपर को लर्न कर लेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि पर डे पर मीटिंग जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें फर्स्ट पेपर अलग अलग आता है, लेकिन वो एक ही सिलेबस से आता है। तो आपको सिलेबस हमने पहले ही डिस्कस कर दिया था उस दिन कि सिलेबस क्या है, आपका रिसर्च का पोर्शन है, आपका टीचिंग का पोर्शन है, कम्युनिकेशन का पोर्शन है, हायर एजुकेशन का पोर्शन है, इन्वायरमेंट का पोर्शन है, रीजनिंग का पोर्शन है, DI का पोर्शन है। तो सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करती है। अच्छा, अर्थात हो सकता है ऐसी कोई चीज़ हो जो आपके जिस दिन आपका टर्न एग्ज़ाम के उसमें आ जाए और आपको ना पता हो, और हो सकता है ऐसी भी कई चीज़ें हैं जो बहुत इजी आपका पेपर आ जाए, पढ़ के गए वो मिल जाए। तो एक पेपर तो नहीं बनेगा पूरे एग्ज़ाम में, फर्स्ट पेपर भी अलग अलग दिन अलग अलग मीटिंग में अलग अलग आपका पेपर बनेगा, इसलिए क्वेश्चन बहुत सारे क्षेत्रों से आने की संभावना है, लेकिन सिलेबस वही रहेगा, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको फर्स्ट पेपर जो है उसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पोर्शन होता है रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको हायर एजुकेशन में जाना है। तो हायर एजुकेशन में क्या होता है आपको पता है, हायर एजुकेशन में आप टीचिंग करने जा रहे हो, तो उसमें आपको टीचिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, देखिए अब आप टाइम वेस्ट मत करेगा, बहुत ही कम समय है, लगभग आपका एक महीने का समय बचा हुआ। तो जितने पुराने वीडियोस हैं, शिक्षण क्या है, शिक्षण के सूत्र क्या है, शिक्षण की विधियाँ क्या क्या है, शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, आपके शिक्षण में कौन कौन सी चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं, सीखने के कौन कौन से सिद्धांत हैं, इतना पोर्शन आप मेरे प्रीवियस वीडियो से एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है, हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, हम ऐसी पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस करेंगे जो अभी तक आपने नहीं पढ़े। दूसरी चीज़, हम रिवीजन करेंगे, तो जो चीज़ें हम पढ़ के आए रहेंगे हम उसको फिर से रिवाइज करवाएंगे, उसको फिर से हम उसके क्वेश्चन आपके सामने पुट करेंगे, आप उसको एनालिसिस करेंगे ऑप्शंस का, और उसको आप सॉल्व करेंगे। तीसरी चीज़, रिसर्च आपके लिए नया होगा जो फर्स्ट बार दे रहे हैं, और जो दूसरे तीसरे चौथे बार दे रहे हैं उनको इतना तो पता होगा कि रिसर्च क्या, तो रिसर्च आपको पता है कि फिर से खोजना क्या होता है, रिसर्च रिसर्च, तो इसमें जो री लगा हुआ है इसका मतलब क्या, पुनः फिर से खोजना, तो कोई चीज़ है उसको खोजना, मतलब कोई चीज़ स्थित है कहीं हम फिर से खोजते हैं। तो इसमें तीन प्रकार से खोजते हैं, वैसे रिसर्च के आपके क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। तो एक आपका प्रकार जो होता है रिसर्च का, वो होता है मौलिक बेसिक रिसर्च, जिसमें एकदम नई चीज़ खोजते हैं, मतलब हम क्या कहते हैं एकदम एक्सपेरिमेंटल मोड में ऐसी चीज़ें खोजते हैं जो अभी तक नहीं मिली। मतलब रिसर्च की हर स्टेप को बहुत ही बारीकी से फॉलो करके, ऐसे रिसर्च जिसमें एकदम नया आउटकम, नया सिद्धांत, नए नियम निकले, तो उस रिसर्च को बेसिक रिसर्च करते हैं। तो इस प्रकार के रिसर्च आपके साइंस और अदर सब्जेक्ट्स में होते हैं। दूसरा आपका क्या होता है, व्यवहारिक,
ठीक है, व्यावृत्त जो आपका रिसर्च का टाइप है उसमें क्या करते हैं, वो आपके व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे वर्णात्मक का आपका जो शोध विधि होता है उसके अंतर्गत आता है कि जो व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हो तो उसका, और थर्ड आपका क्या होता है, क्रियात्मक। क्रियात्मक शोध वह शोध होता है जो तात्कालिक आपकी जो उस समस्या है उसको आपको सॉल्व करना, तो पूरी पूरी रिसर्च के मेथड आप नहीं फॉलो करते, आप क्या करते हैं उसको, आप थोड़े बहुत मतलब वैज्ञानिक विधि से करते हैं लेकिन उस समस्या को उस पर्टिकुलर क्षेत्र में सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, और इसी प्रकार से आपके रिसर्च के प्रकार होते हैं। लेकिन इसमें आपको और भी चीज़ें पढ़नी, जैसे रिसर्च के जो मेथड है, देखिए काफ़ी चीज़ें वीडियोस मैंने रिसर्च के डाले हुए हैं, आप उसको पढ़ डालिए। ऐतिहासिक हो गया आपका, प्रयोगात्मक हो गया, वर्णात्मक हो गया, और उसमें कई सारे आपके उसके अंतर्गत आते हैं, एक्सपोस्ट फैक्टो हुआ आपका। तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है उन चीज़ों को फिर से रिमाइंड करने की जो आप अब तक पढ़ चुके हैं, और उन चीज़ों को पढ़ने की जो आपने अब तक नहीं पढ़ा। तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में फिर से आप वही सारी चीज़ों, क्योंकि काफ़ी चीज़ें भूल गई मुझे, आपने नई नई चीज़ें बताई थी। पॉजिटिविज्म का भी वीडियो पढ़ा हुआ है, पॉजिटिविज्म का भी पढ़ा हुआ है, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग का आपका पोर्शन पढ़ा हुआ है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है इसका पढ़ा हुआ है, एक्शन रिसर्च का पढ़ा हुआ है। आप सारी चीज़ें फिर से देखिए, उसमें जो चीज़ें आपको छूट रही हों, जो आपके ऐसे डिफिकल्ट पॉइंट हो जिस पे आपको फिर से अध्ययन की ज़रूरत हो, आप उसको तुरंत कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि समय अब बिल्कुल नहीं है। हम फिर से वो सारे पोर्शन को फिर से पढ़ाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। आप एकदम माइंड मेकअप कर लीजिए, ऐसा सोचिएगा कि आपको फिर से फॉर्म ना भरना पड़े, फिर से एग्ज़ाम ना देना पड़े, आपका फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, आप इसी अटैम्प्ट जो आपका ये अटैम्प्ट है आप उसी में क्वालिफाई हो जाए। इसके लिए आपको लगन से कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। आप हर बार इजीली लेते हैं, कहते हैं कि फॉर्म तो भर दिया, पढ़ा नहीं, तो आप किसको एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, उस दुनिया को जिसको सिर्फ सफलता दिखाई देती है। आप सेटिस्फाई हो गए कि ठीक है आपने कह दिया कि पढ़ा नहीं। इंसान ऐसे भी होता है पता है, जब क्वालिफाई हो जाता है तो कहता है अरे यार पढ़ा तो नहीं था, पास हो गया, तो उसको भी वो लोग देखते हैं, तो कहते हैं ये देखो नहीं पढ़ा तब भी पास हो गया, ये नहीं पढ़ा तो नहीं पास हुआ। तो आपके एनालिसिस जो लोग यहाँ समाज अब बहुत अच्छा है लेकिन उसी से करता है जो आपकी सफलताएं आपको प्राप्त होती थी, इसलिए इसी बार आप क्वालिफाई करने का प्रयास करिए। और जिस बार नहीं भर पाए हैं उस वो भी यही सोचे कि उनका एग्ज़ाम जून में है और वो अभी से तैयारी करेंगे, तो आप दिसंबर तक आप क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप देर करेंगे उतने ज़्यादा इसमें कंपटीशन बढ़ती जाएगी। लोग इतनी दूर दूर पढ़ने जा रहे हैं, इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, या आपको बिल्कुल बहुत ही मिनिमम कॉस्ट मतलब इवन नथिंग के हिसाब से खर्च करना है, लेकिन बस आपको पढ़ना है, मेहनत आपको ज़्यादा करनी है हमारे साथ, और आप ही पढ़ेंगे तभी आप क्वालिफाई हो सकेंगे। हम कितना भी पढ़ाएं हम क्वालिफाई आपको नहीं करा सकते। उसके बाद आपका संप्रेषण का पोर्शन है, तो वो पोर्शन भी मुझे पढ़ाना है। संप्रेषण मैंने एक वीडियो वो भी पढ़ा हुआ है शिक्षण में, आप देख लीजिएगा संप्रेषण क्या है। इसके अलावा जो उसमें पढ़ाना है, तो उसमें जैसे ग्रेपवाइन आपका होता है कम्युनिकेशन, और कई स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन सी बाधाएं होती है, तो वो चीज़ें आपको पता है, बस आपको उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड है उसको क्लेरिफाई करना है, ठीक है। और भी कई चीज़ें हैं उसमें, DI का पोर्शन आप थोड़ा मजबूत कर लेते हैं, तो क्या होता है कि वो फिक्स आपके नंबर होते हैं लेकिन क्या है टाइम टेकिंग, तो आप बाकी चीज़ें जो जैसे आप 5 मिनट में 5 क्वेश्चन कर सकते हैं और DI में अगर 1 कर पा रहे तो आप कोशिश करिएगा कि 5 जो सही करें उसको कर लीजिए, फिर लास्ट में अगर आपके पास टाइम मिले तो DI लेके बैठिएगा। अगर जो DI के 5 में से 2 क्वेश्चन बहुत इजी होते तो उसको तुरंत कर लीजिएगा, बाकी 3 क्वेश्चन जो बचाऊँ हैं जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन, मैथ वालों के लिए नहीं कह रही अदर जो है, तो वो क्या करेंगे आप उसके लिए टाइम छोड़ दीजिए, उस 3 क्वेश्चन को करने के चक्कर में आपके इधर हो सकता है 10 क्वेश्चन छूट जाए, तो आप उन सबको मतलब पेपर छूटने ना पाए, कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। हाँ, इतनी भी जल्दीबाजी मत करिएगा कि आप क्या करें आप गलत ऑप्शन लगा दें, लेकिन इसमें ऑप्शन है आपका, कंप्यूटर क्या करता है कि आप लॉग भी कर देते हैं, तो आपको उसको चेंज करने का टाइम है। दूसरी चीज़, अक्सर आप मार्क कर देते हैं, जैसे मार्क कर दिया आपने कि हम इसको बाद में चेक करके करेंगे, और लास्ट में वो छूट जाता है, तो आप बॉक्स देखिएगा जहाँ पे ग्रीन रेड सारे सिंबल बने होंगे, उसमें लिखा रहता है कि आपने ये इतने मार्क करके छोड़े। मार्क वाले प्रश्न को ज़रूर फिर से लास्ट मोमेंट में, लास्ट 5 मिनट में मार्क किए हुए क्वेश्चन को देखिएगा, और अगर नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप जो सबसे नज़दीक जो आपका ऑप्शन लगे उसको लगा दीजिएगा, या भगवान का नाम लेके तुक्का मार दीजिएगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन मत छोड़िएगा अगर निगेटिव मार्क्स नहीं रहते। वैसे तो अभी तक नहीं है, अगर निगेटिव मार्क्स बाई चांस अभी तो ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है हो जाए, तो आपको क्या करना है प्रिपरेशन करके रखना है कि पहले निर्देश देंगे आप उसको अच्छे से पढ़ लें।
सबसे बड़ी हिदायत मेरी ये है कि अगर आपने कभी भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिया है तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, वैसे ही है जैसे सारे एग्ज़ाम बैंकिंग के जिन्होंने दिए होंगे उनके लिए ईजी है, SSC के ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो दिए होंगे उनके लिए भी ईजी है, और भी कई प्रकार के आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपके चलते रहते हैं। लेकिन जिन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं दिया तो वो अपना हफ्ते का एक दिन कैफ़े पे या कहीं पे भी कोई भी मॉक टेस्ट देने बैठी है। किस प्रकार से आप मॉक टेस्ट देते हैं, कहीं कोचिंग वगैरह, कहीं वेबसाइट चलाती रहती हैं, या NTA खुद मॉक टेस्ट सेंटर देता है आपको कुछ दिन पहले से कि आप जाके वहाँ पे क्या करिए, प्रिपरेशन करिए। तो ये ना हो कि कंप्यूटर पे बैठने का कारण आपका नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको यहाँ बहुत ही ध्यान से समझ के क्वेश्चन को करना भी है और सही समय में करना है। जैसे ऐसा नहीं कि टाइम अप हो गया तो वो तुरंत, ऐसा नहीं कि फर्स्ट से लेने आते पेपर लास्ट तक थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाता है, ऐसा वहाँ नहीं होता। वहाँ टाइम आउट तो आउट, आपका लॉग आउट हो जाएगा। अगर आपने सारे मार्क करके छोड़े तो 0 नंबर मिलेगा आपको, मार्क्स से यहाँ किसी को कोई लेना देना नहीं। फाइनल आंसर आप ज़रूर दीजिएगा, इसके साथ ही प्रैक्टिस करते रहिएगा, कोई प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। हाँ, प्रैक्टिस सेट बनाने वाला उतना मैच्योर नहीं होता जितने मैच्योर वहाँ के प्रश्न बनाने वाले होते हैं, इसलिए आपको क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं आप उसको एनालिसिस करिए, जो आंसर है वो तो देखिए ही, अलग से जो उसमें ऑप्शंस में नए नए शब्द आपको दिखेंगे, नए नए शब्द जो आपको दिखेंगे वहाँ पर, उन शब्दों को ढूंढने का प्रयास करें। क्योंकि आप डिजिटल ज़माने में जी रहे हैं, आप व्हाट्सअप, जैसे आप कोई फंक्शन पड़ा तो लोगों को मैसेज करने के लिए तुरंत आप गूगल पर जाते हैं, इमेज सर्च करते हैं और तुरंत उसका, जैसे क्रिसमस हुआ, दिवाली हुआ, तुरंत नए नए अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ जैसे सर्च करते हैं, वैसे आप अपने पॉइंट के, मतलब जो अपने टॉपिक है उसके अच्छे अच्छे मैटर सर्च करिए, और उन मैटर्स की सहायता से आप क्या करेंगे, इस बार क्वालिफाई कर जाएंगे। दूसरी चीज़, जो भी समस्या आप हम तक पहुँचाइएगा ज़रूर, क्योंकि हम तभी जान पाएंगे। तो हमें लग रहा है, जैसे मुझे कोई पोर्शन बहुत ईजी लग रहा है तो मैंने बहुत ईजिली पढ़ा दिया, हो सकता है आप का वो सबसे डिफ़िकल्ट पॉइंट हो तो आपको उसको तुरंत कमेंट बॉक्स में डालना है। मतलब यहाँ आपकी जितनी समस्या आपकी नेट से रिलेटेड है आप आज यहीं अभी डिसाइड कर लीजिए। अगर आप नहीं डाल पाते, मतलब आज तक आपने शुरू ही नहीं किया पढ़ना, क्योंकि जितने लोग पढ़ रहे हैं उनको ये पता है कि मेरा वीक पॉइंट क्या है या क्या चीज़ें नहीं मिल रही, क्या चीज़ नहीं समझ में आए, क्योंकि वो ढूंढते भी हैं, बुक्स से नहीं समझ में आता तो आप डालें। हम प्रयास करेंगे, हम नहीं कहते कि हम उसको एकदम क्लियर ही कर देंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे और आप सहयोग करेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। बहुत ही ऐसा कोई चीज़ नहीं जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है फर्स्ट पेपर में, डिफ़िकल्टी कहाँ है आपके सेकेंड में, क्योंकि सेकेंड आपका पोर्शन है और जितना ज़्यादा आपका कमांड है उतना ही आप नज़दीक जाएंगे नेट के या GRF होने के। तो यहाँ पर आपको बहुत ही बारीकी से समझना है कि किस प्रकार से इस सिचुएशन को हम सॉल्व करें कि हमारा जो आने वाला भविष्य है वो सेफ जोन में हो जाए। इसके बाद भी बहुत सारी फाइट, आप यहीं रुके रहेंगे तो आगे कैसे जाएंगे। जैसे अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज आई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर्स की, तो जो PhD किए होंगे उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा, और हम लोग PhD नहीं किया अभी, है ना, तो हम लोग को उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे क्या है कि जब जितने साल, जितने मतलब दिन आपके गुजरते जाएंगे सफलता लेने के चक्कर में, जो आपके स्टेप चढ़ने के, उतनी ही देर में आप मंजिल तक पहुँचेंगे। तो आप कोशिश करिए जल्दी से नेट GRF होके आप फिर आगे की जो लाइफ है उसके लिए फाइट करिए। आप PhD कर चुके हैं तो नेट GRF आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नहीं किए हैं, आपको करने का मन है, तब भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडमिशन में ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो नेट प्रेफरेंस देती है, और अगर नेट भी नहीं देती जब अगर कोई GRF का स्टूडेंट हो तो आप कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का, और वो आपका अपना सब्जेक्ट लाएगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट पेपर की वजह से आपका एक भी नंबर ना रुके। यहाँ पे अगर आप चाहें तो 80% प्लस आप गेन कर पाएंगे, क्योंकि 100% तो इम्पॉसिबल है भाई, कोई नहीं कर सकता। होगा वो ब्रिलियंट कोई, या तुक्का लग गया, या ठीक है, 100% का अचीवमेंट का कोई रूल नहीं है ऐसा कि आप इसमें आप अचीव कर लें। तो यहाँ पे आप 98% भी बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि 80% भी आप कवर अप कर लेते तो बहुत अच्छी पोजिशन में। अभी आप ये पढ़े रहेंगे तो आपके पास अपने सब्जेक्ट पढ़ने का बहुत ही पर्याप्त समय रहेगा, और अगर अभी तक आप बैठे हैं तो आपने बहुत देर कर दी है। आपको अपना भी सब्जेक्ट पढ़ना है, फर्स्ट पेपर भी पढ़ना है, और यहाँ पे प्रिपरेशन भी करना है कैसे एग्ज़ाम दे, स्ट्रेस भी कम रखना है, स्ट्रेस का लेवल सेट करना है कि बहुत कम ना हो, बहुत ज़्यादा ना हो। हो सकता है आपके घर में मेहमान आने शुरू हो जाएं, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं तो वो भी आपको डिफ़िकल्टी होगी। तो यहाँ पे अब आप क्या करिए, अपने लिए 2-3 घंटे, 2 घंटे का मिनिमम निकालना शुरू कर दीजिए। 1 घंटे आपका
अगर आधा घंटा भी फर्स्ट पेपर के लिए दे रहे हो तो बहुत है, 1.5 घंटे आप अपने सब्जेक्ट को दीजिए। बाकी चीज़ें आपकी बहुत सारी जगह से, बहुत सारे मैटर हैं, अन्य चैनल पे वीडियोस हैं, आप उसको भी देखिए, हर जगह से पढ़िए, बस पढ़िए और क्वालिफाई होइए। और हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं, बस आपका क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। हाँ, सीरियस ज़रूर हो जाइए।